सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयविन, आप देख रहे हैं टेकी जयविन। दोस्तों, सैमसंग ने आज अपना इंडिया में नोट सीरीज का एक लाइटर वर्जन इंडिया में लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट। ये बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको ये मिल जाता है, तो आज हम बात करेंगे इसी फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूंगा। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन ऑफिशियली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो आपको नोट 10 और नोट 10 प्लस अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर इसमें भी आपको एक लाइटर वर्जन चाहिए तो ये स्मार्टफोन इसकी जगह ले पाएगा। तो पहले हम स्मार्टफोन की पहले डिस्प्ले की बात कर ले तो नोट 10 लाइट में आपको मिलती है 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। ये डिस्प्ले आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलती है क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रंट में आपको पंच होल कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाता है, यानी फ्रंट में आपको छोटी सी एक पंच होल देखने को मिल जाता है सेल्फी कैमरा के लिए। और बता जाऊंगा ये HDR डिस्प्ले और बता जाऊंगा 20:9 का एक्स में आपको एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। और बता जाऊंगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है और फ्रंट में आपको ग्लास फिनिश डिजाइन देखने को मिल जाती है, यानी कि आपको एक कर्व डिस्प्ले नहीं मिलती, आपको जो फ्लैट डिस्प्ले है वही डिस्प्ले मिलेगी और बेजल भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट के आपको बैक देखने को मिल जाती है। हालांकि जो प्लास्टिक बॉडी है वो आपको चिप लेवल की नहीं लेकिन आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली आपको एक प्लास्टिक यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है, जो सैमसंग का नोट सीरीज है उसके मुकाबले ये स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। अब बात आती है स्मार्टफोन के चिपसेट की, बता दूंगा इसमें आपको एक्सिनोस की तरफ से आने वाला 9810 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो 10 nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। जो ऑफिशियली देखे जाए तो ये थोड़ा सा पुराना है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। ऑक्टाकोर पावर है, 2.7 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है और इसमें आपको मालिका G72 MP18 का आपको GPU देखने को मिल जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस आपको थोड़ी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। पबजी जैसे गेम यहाँ पे आपको आसानी से खेल सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात आती है इसके रैम और स्टोरेज वेरियंट की, तो इंडिया में दो अलग अलग वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें जो पहला जो वेरियंट है 6 GB की रैम 128 GB की इंटरनल स्टोरेज और दूसरा जो वेरियंट है 8 GB की रैम 128 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसमें आपको माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको मिल जाता है जो एक आपको हाइब्रिड स्लॉट है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 1 TB तक की आप एक्सपेंशन कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको एक्सपेंशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अब बात आती है स्मार्टफोन के रियर कैमरे की, तो रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ट्रिपल में 12 MP का 3 कैमरा देखने को मिल जाता है। जो प्राइमरी लेंस है इसका एपर्चर f1.7 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वाइड एंगल लेंस है। और दूसरा जो कैमरा वो आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है जिसका एपर्चर f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। तीसरा जो कैमरा वो आपको इसमें मिलता है टेलीफोटो लेंस जो एक f2.4 के एपर्चर के साथ में देखने को मिल जाता है, जो एक OIS और 2x ऑप्टिकल जूम के सपोर्ट के साथ में देखने को मिल जाता है। यहाँ की दो लेंस है वो आपको OIS के साथ में देखने को मिल जाता है, यानी कि कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ड्यूल टोन LED फ्लैश देखने को मिल जाती है 4K और 10P तक की, 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में, और 240 FPS तक का फुल HD तक का आपको एक स्लो मोशन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी कि कैमरा क्वालिटी आपको जो फ्लैगशिप लेवल में देखने को मिलती है वैसी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस आप कैमरा के लेवल में कर सकते हो स्मार्टफोन में, क्योंकि जो आप नोट 10 और नोट 10 प्लस अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो नोट 10 लाइट में भी आप बहुत ही अच्छी खासी एक कैमरा क्लियरिटी आप कैप्चर कर सकते हो। अब बात आती है स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, बता दूंगा इसमें आपको 32 MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है, पंच होल कैमरा डिजाइन में सेंटर में देखने को मिल जाती है और HDR कैमरा है, f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है जो एक वाइड एंगल लेंस है, तो बहुत ही अच्छी वाइड आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है। 10 MP तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ये भी अच्छी बात है कि आपको एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। और एक खास बात इसमें आपको AR डूडल का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो नोट 10 और नोट 10 प्लस में जो फीचर्स देखने को मिले थे वही फीचर्स सेम आपको सेल्फी कैमरा के मामले में देखने को मिल जाते हैं। अब बात आते हैं स्मार्टफोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बता दूंगा इसमें मैसिव 4500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ में देखने को मिल जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छी है। और बैटरी क्वालिटी आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती थी कंपेयर करें नोट 10 और नोट 10 प्लस से, तो उसमें बैटरी थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सैमसंग ने अच्छी पहल की इस बार। बता दूंगा इसमें आपको एंड्रॉइड 10Q आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 1 UI 2 का आपको इसमें कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर भी आपको लेटेस्ट देखने को
मिल जाता है। तो बैटरी और सॉफ्टवेयर के मामले में ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। बात आती है स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बता दूंगा इसमें जो कनेक्टिविटी और सेंसर देखने को मिलते हैं वो आपको फ्लैगशिप लेवल के मिल जाते हैं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5mm का जैक भी देखने को मिल जाता है जो आपको नोट 10 में देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको नोट 10 लाइट में आपको 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है। हाइब्रिड सिम स्लॉट है तो ये बात ध्यान रखेगा, एक साथ दो नैनो सिम या एक नैनो सिम माइक्रो एसडी कार्ड एक साथ लगा सकते हो, तो ये बात ध्यान रखेगा। ब्लूटूथ का 5.0 है, ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एनएफसी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और बताना चाहूंगा इसमें आपको एस पेन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको जायरो सेंसर और ब्लूटूथ का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जो वही सेम सेंसर आपको बताना चाहूंगा, सेम आपको जो नोट 10 प्लस में जो एस पेन मिला था, जो एस पेन के फीचर्स देखने को मिलते हैं वही सेम फीचर के साथ में आपको एस पेन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस नोट 10 लाइट में। अब बात आती है स्मार्टफोन के कलर एंटरप्राइज की, बता दूंगा इसमें आपको तीन अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, ओरा ब्लैक, ओरा ग्लो और ओरा रेड, ये तीन अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जबकि प्राइस की बात आती है तो प्राइस बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जो इसमें जो 6GB वाला मेन वेरिएंट है इसकी प्राइस रखी गई है 38,999 रुपीज की प्राइस में फोन पड़ेगा, और दूसरा जो वेरिएंट है 8GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस की बात करें तो 14,999 की प्राइस में फोन पड़ेगा, यानी कि बहुत ही अच्छी प्राइस में है। हालांकि जो नोट 10 और नोट 10 प्लस की बात करें तो वो 70,000 से स्टार्ट होता है प्राइस, तो वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो आपको मिलता है पैकेज वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। इसकी जो सेलिंग है वो 3 फरवरी से आप परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट से परचेस कर सकते हो, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर डिवाइस कंक्लूजन की बात करें नोट 10 लाइट की, तो बता दूंगा इसमें जो स्पेसिफिकेशन मिलती है वो बहुत ही अच्छी है, जो डिस्प्ले क्वालिटी वो भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। हालांकि जो नोट 10 है इसमें आपको HDR 10 प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको HDR की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। बाकी बात करें तो इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों तरफ ग्लास नहीं मिलता, एक ही तरफ आपको ग्लास मिलता है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन जो आपको PUBG जैसे गेम जो फ्लैगशिप लेवल की जो स्पेसिफिकेशन मिलते हैं उसके हिसाब से प्रोसेसर है वो जस्टिफाई करता है। प्राइस के हिसाब से जो सैमसंग की जो ब्रांडिंग है उसके हिसाब से ये प्रोसेसर जस्टिफाई करता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, इसमें जो कैमरा क्लियरिटी है वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, इसमें कोई भी आपको नंबर का गेमिंग नहीं किया गया, इसमें सिर्फ आपको 12 मेगापिक्सल के 3 कैमरा देखने को मिल जाते हैं, और जो फीचर्स आपको फ्लैगशिप लेवल के चाहिए कैमरा फीचर्स वो सभी फीचर्स आपको इन कैमरा में देखने को मिल जाते हैं। दूसरी बात, इसमें आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाती है, तेज फीचर भी बहुत ही कमाल का है, आप अच्छी खासी वाइड एंगल में आप एक सेल्फी खींच सकते हो। और बैटरी की बात करें तो बैटरी बहुत ही ज्यादा है, जो नोट 10 प्लस में भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे आपको नोट 10 लाइट में देखने को मिल जाती है, यानी कि कंज्यूमर को एक प्राइस के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो आपको बैटरी मिलनी चाहिए वो आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है, और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। हालांकि जो नोट 10 है इसमें आपको 3.5mm का जैक देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है। अगर कोई बंदा आपको परचेस करना हो नोट 10 और नोट 10 प्लस में, तो अगर आपको 3.5mm का जैक चाहिए चाहिए तो नोट 10 लाइट आप ले सकते हो, अगर थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज करने हो तो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं ऐसी रोचक वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।